हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू चैनल एजुकेशन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग केस केस के बारे में जिसका नाम है बात जब भी गवर्नर की पावर्स की हो या प्रेसिडेंट रूल के ऊपर बात हो या फिर आर्टिकल थ्री की चर्चा हो एस आर केस को अक्सर कोर्ट किया जाता है एसआर बुम्बई केस में सुप्रीम कोर्ट पास द लैंडमार्क जजमेंट जो आज भी एक्ट करती है एज अ सेफ गार्ड टू प्रोटेक्ट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस वीडियो में भी हम आर मुंबई केस के ऊपर चर्चा करेंगे कि वॉट इज आर मुंबई केस सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट पास की है और आज अगर किसी स्टेट में कोई पॉलिटिकल क्राइसिस हो जाता है तो हाउ एसआर मुंबई केस प्रूव टू तो बी ए पेनसिया this topic becomes very important particularly for those who are preparing for upsc examination because it forms base of your preparation and while drafting your answer only if you know the basics you can relate it with the current and then write down the beautiful answer so let's start our video before we move forward we need to see certain basics of this concept because if we know the basics understanding the entire case entire video becomes very easy so our first point is dual polity dual polity means यूनियन एट सेंटर एंड स्टेट एट पैरफ्रीज इसका मतलब क्या हुआ डूल का मतलब दो पॉलिटी का मतलब गवर्नमेंट सो वी हैव टू गवर्नमेंट्स टू गवर्नमेंट्स कहां पर एक तो होगी सेंटर में हमारे विच इज सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक वी हैव एनडीए गवर्नमेंट एट सेंटर और दूसरी होगी स्टेट गवर्नमेंट स्टेट एट द पेरेफ्रीज दैट मीनस पंजाब में कांग्रेस गवर्नमेंट यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट सो डिफरेंट डिफरेंट गवर्मेंट एट डिफरेंट स्टेट्स सो पॉइंट इज टू सेट ऑफ गवर्नमेंट्स वन एट सेंटर एंड अदर इज एट स्टेट्स डूल पॉलिटी ऑल्सो फॉर्म बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म क्योंकि फेडरलिज्म में इज अ पावर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है है वो शेयर की जाती सेंटर में और स्टेट में Now, दोनों सेंटर और स्टेट अपनी पावर कहां से डराइव कर रहे हैं वो डराइव कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन से सो पॉलिटी टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट नेक्स्ट इज आर्टिकल 356 फिफ्टी सिक्स ना लेट सपोज एक स्टेट में एक गवर्नमेंट इलेक्ट होके आती है लेकिन इलेक्ट होने के बाद वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट काम करना शुरू करती है लेट से एक्ट डिजाइन करते हैं जिससे इंडिया की यूनिटी इंटीग्रिटी और सॉवरिटी को खतरा है तो ऐसे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफर्सिजन विच इज आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स जिसके तहत गवर्नर प्रेजिडेंट को एक रिपोर्ट बनाकर भेजेगा जिसमें वो लिखेगा कॉन्स्टिट्यूशन मिशीरी इन द स्टेट हैज

लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस डेड लेटर को बहुत बार जिंदा किया गया हाईली अब आर्टिकल इज आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स स्टेट गवर्नमेंट्स को टॉपल किया गया बाय सेंट्रल गवर्नमेंट जस्ट बिकॉज दे व नॉट सब्सक्राइबिंग टू देअर आइडियोलॉजी या फिर वो किसी और पोलिटिकल पार्टी के चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होकर आए थे और सेंटर में कोई और पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही थी सो थ्रू आर्टिकल 356 वो उस गवर्नमेंट को टॉपल करवा के अपनी गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर वहां इलेक्ट करवा के लाते थे क्या होता है हम अपनी मर्जी के कैंडिडेट को वोट डालते हैं और अगर उस पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट की मेजोरिटी हो जाती है तो वहां गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं उस गवर्नमेंट को ही हम एग्जेकटिव बोलते हैं और वो एग्जेकटिव बैठते कहां पर है जाके लेजिस्लेचर में अब लेकिन अगर एग्जेक्टिव लेजिस्लेचर के कॉन्फिडेंस को ही इंजॉय ना करें तो फिर गवर्नमेंट का हो जाती है सो फ्लो टेस्ट भी एक ऐसा ही मैकेनिज्म है जिसमें वोटिंग के थ्रू ये डिसाइड किया जाता है कि जो इस टाइम रूल कर रहे हैं वो लेजिस्लेचर का कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं कि नहीं करते हैं सो नेक्स्ट इज सरकार सरकारिया एंड पंछी ये क्यों स्टैब्लिश किए गए थे ये इसीलिए स्टैब्लिश किए गए थे कि जितनी प्रॉब्लम हो रही है सेंट्रल स्टेट में फेडरलिज्म में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में उसके रिगार्डिंग कुछ रिकमेंडेशन की जाए और उस रिकमेंडेशन को हम फिर आगे फॉलो करें ताकि हारमोनियसली सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अपना काम कर पाए और स्टेट गवर्नमेंट अलग कर पाए और एट टाइम्स दोनों आपस में कंपीट भी करें और कोऑपरेट भी करें जहां पर नेसेसरी है सो सरकारी कमीशन कमीशन एंड नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है वी हैव अ वेरी परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस राइट नाउ कोविड नाइनटीन से हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं ऐसे में वेन पॉलिसी हैज टू कम इन या फिर कोई मेजर डिसीजन लेना है तो प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक मीटिंग करते हैं सारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ जिसमें वो उनसे उनकी राय लेते हैं हैं और चीफ मिनिस्टर भी उनको बोलते हैं कि यू शुड गिव अस द पार्क टू टेक डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू रेड जोन ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन या कंटेनमेंट जोन एंड आफ्टर लिसनिंग टू चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द वेरियस स्टेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट देन डिजाइन द पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू कोविड नाइन्टीन

आर्टिकल 356 का यूज करते हुए इनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया था और प्रेसिडेंट रूल वहां पर इंपोज कर दिया गया अब डिसमिस कौन से ग्राउंड पे की गई थी डिसमिसल जो इनकी गवर्नमेंट की थी वो इस ग्राउंड पे की गई थी कि दे हैव द फॉलोइंग लार्ज स्केल डिफेक्शन इनकी पार्टी में डिफेक्शन हुई थी मतलब इनकी गवर्नमेंट में डिफेक्शन हुई थी इनकी पार्टी के मेंबर्स ने डिफेक्ट किया था और वो दूसरी पार्टी में चले गए थे जिससे ऐसा बोला गया दैट यू हैव नाउ लॉस्ट द मेजोरिटी इन द हाउस एंड हैंज बिन डिस तो ऐसा बुम्बई ने बोला गवर्नर को हम फ्लोर टेस्ट करा लेते हैं अगर आपको लग रहा है कि मैं मेजोरिटी में नहीं हूं आई नो मोर एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर तो मैं फ्लोर टेस्ट के लिए रेडी हूं लेकिन गवर्नर डिड नॉट अलाउ द फ्लोर टेस्ट टू तो द गवर्नमेंट एंड देन मैटर वेन टू सुप्रीम कोर्ट गवर्नर, गवर्नर ने इनको नहीं अलाउ किया फ्लोर टेस्ट करवाना और ये मैटर को सुप्रीम कोर्ट में ले गए अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या जजमेंट दी 1989 में केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया और सुप्रीम कोर्ट टुक फाइव इयर्स टू प्रोनाउंस द हिस्टोरिक जजमेंट दिस वाज द नाइन जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जिन्होंने वर्डिक्ट प्रोनाउंस किया और आज यही वर्डिक्ट लॉ ऑफ रेफरेंस बन गया है वेन एवर हंग असेंबली अकर्स हंग असेंबली मतलब जब किसी के पास क्लियर कट मेजोरिटी नहीं होती है अब क्या होता था हमने देखा कि थ्री का यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट आर्बिट्ररीली स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस करती थी उनको टॉपल करती थी अपने पेटी पेरुकियल पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को देखा ऑब्जर्व किया और इस चीज को एंड किया कि नाउ नो मोर यू कैन आर्बिट्ररीली डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट्स अंडर आर्टिकल थ्री और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि प्रेजिडेंट के पास एप्सल्यूट पावर नहीं है कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस कर दे क्योंकि इन शॉर्ट तो आप वो डुअल पॉलिटी के प्रिंसिपल को तोड़ ही रहे हो जब भी आप डिसमिस करते हो और डूल पॉलिटी का प्रिंसिपल जो है दैट इज वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द फेडरलिज्म एंड फेडरलिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आप जब आरबी स्टेट गवर्नमेंट को टॉपल करते हो तो आप प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म को हार्म कर रहे हो विच इज बेसिक प्रिंसिपल तो नाउ क्वेश्चन वाज अगर लिटरली कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ब्रेक डाउन कर जाए या फिर जनरनली अगर प्रेसिडेंट रूल लगाना हो तो फिर क्या वो नहीं किया जा सकता ऐसा नहीं था वो किया जा सकता है लेकिन एक सेफ गार्ड कि प्रेसिडेंट शुड एक्सरसाइज द ओनली आफ्टर हैज बीन अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विच मींस अगर आपने प्रोक्लमेशन करनी है तो वो अप्रूव होनी चाहिए दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट से और जब तक वो प्रोक्लेमेशन अप्रूव नहीं होती बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट तब तक आप लेजिस्लेटिव असेंबली को सिर्फ सस्पेंड कर सकते हो और डिसॉल्व नहीं कर सकते एंड इन केस उस प्रोक्लेमेशन को अप्रूवल नहीं मिलती दोनों हाउसेस से तो वो प्रोक्लेमेशन लैप्स कर जाएगी और कॉन्सिक्वेंटली जो असेंबली आपने सस्पेंड की थी अपने ऑर्डर से वो दोबारा रिएक्टिवेट हो जाएगी और जो डिसमिस की थी गवर्नमेंट वो रीइंस्टेट कर दी जाएगी व्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि जब भी मेजोरिटी की बात होती है जैसे हमने एस आर बोमई केस में देखा था कि एस आर बम्बई चीफ मिनिस्टर बोल रहे थे गवर्नर को कि मैं मेजोरिटी प्रूव कर देता हूं लेकिन गवर्नर ने उनको मौका नहीं दिया सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब भी टेस्ट ऑफ मेजोरिटी की बात आएगी तो फ्लोर टेस्ट इज द ओनली सोल्यूशन फॉर दिस आपको फ्लोर टेस्ट करवाना ही पड़ेगा टू सी के

Moreover, इसने चीफ मिनिस्टर को एक तरह की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जिनको कभी पता ही नहीं होता था कि आज अगर हम इलेक्ट होके आगे हुए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारी राइवलरी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स चुनके आए हुए हैं तो हमें कभी भी यहां से टॉपल किया जा सकता है हमें हटाया जा सकता है बाई यूज ऑफ आर्टिकल थ्री आफ्टर बोम्बाई केस उनको एक प्रोटेक्शन मिली के आर्बिटरी यूज ऑफ पावर के साथ आपको हटाया नहीं जा सकता है. दो हजार सोलह में हुए दोनों स्टेट्स और उनकी को सुप्रीम नहीं बचाया बाई कोटिंग एस आर बोम्बाई केस so उत्तराखंड में क्या हुआ था वहां के चीफ मिनिस्टर का नाम था हरीश रावत जो की कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते थे वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली में बजट सेशन चल रहा था और बजट के ऊपर वोटिंग हो रही थी जब बजट के ऊपर वोटिंग हो रही थी तो वहां के जो कांग्रेस पार्टी के जो लेजिस्लेटर थे उन्होंने डिफेक्ट किया और अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट किया बीजेपी के फेवर में वोट किया और अगर बजट पास ना हो सो दैट दैट एक्चुअली द द डिफीट ऑफ गवर्नमेंट दीन्सुअलीस लेजिस्लेटर्स हाउस आर नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट सो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर हैज टू गिव रेजिग्नेशन अगर बजट पास ना हो तो जब वो डिफेक्ट करके बीजेपी के फेवर में उन्होंने वोट किया तो जो स्पीकर थे उन्होंने सेशन को एडजर्न कर दिया अब जब गवर्नर ने ऑब्जर्व किया कि कियाटर डिफेक्ट कर गए हैं और बीजेपी के फेवर में आ गए हैं तो गवर्नर ने हरीश रावत को बोला यू हैव टू सीक ट्रस्ट वोट दैट मीन यू हैव टू शो दैट हाउस इज हैविंग ट्रस्ट इन यू और फ्लोर टेस्ट तो जैसा ही गवर्नर ने यह अनाउंस किया कि दस दिन बाद आपको ट्रस्ट वोट सीक करनी है वैसे ही स्पीकर ने एक नोटिस सर्व किया जो डिफेक्ट कर गए थे लेजिस्लेटर्स उनको उसके बाद न्यूज में हॉर्स टेडिंग की भी बहुत खबरें आती हैं कि हरीश रावत गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू लेवर द लेजिस्लेटर्स विद द मनी लेजिस्लेटर तो कुछ स्टिंग ऑपरेशन भी हुए जिसमें हॉर्सिंग का मतलब है जब आप लेजिस्लेटर्स को खरीदने की कोशिश करते हो थ्रू मनी और जैसे ही दस दिन पूरे होने में एक दिन रहता था वैसे ही स्टेट में प्रेजिडेंट रूल लगा दिया गया जब प्रेजिडेंट रूल लगाया गया अगले दिन ट्रस्ट वोट सीख करनी थी साथ में ही स्पीकर ने जो लेजिस्लेटर्स डिफेक्ट किए थे उनको डिस्कालीफाई कर दिया एंड मैटर वेंट टू हाई कोर्ट अब जैसे ही मैटर हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने रेप्रीमांड किया सेंट्रल गवर्नमेंट को और बोला यू आर ट्राइंग टू एक्ट एज अ प्राइवेट कंपनी और हरीश रावत गवर्नमेंट के फेवर में रूल किया उसके बाद मैटर वेंट टू सुप्रीम कोर्ट अब व्हेन मैटर वेंट टू सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को स्टे किया और उसके बाद अपनी जजमेंट पास की तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट पास की क्या ऑब्जर्व किया सुप्रीम कोर्ट सेट यूनियन गवर्नमेंट इज वेडिड टू प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी एंड ऐसा नहीं हो सकता दैट प्रेजिडेंट कैन गो नो रॉन्ग and moreover we can find this and this is the hasty and ill-conceived move by the central government so after saying all these things supreme court ordered the flow test or flow test may rawat government proved their majority and subsequently their government was reinstated and assembly was restored so this case may SR Mumbai case kohi quote it or tha that the only solution to prove the majority in the house is the flow test जिसके जरिए ही रावत गवर्नमेंट बच पाई सो नेक्स्ट केसेस अरुणाचल प्रदेश पोलिटिकल कुछ ऐसा ही हुआ था वहां की चीफ मिनिस्टर की पार्टी के लेजिस्लेटर्स डिफेक्ट डिफेक्ट कर गए थे करके वो ऑपोजिट पार्टी में चले गए थे उसके बाद जाके वो गवर्नर को मिले और उन्होंने बोला गवर्नर को कि हमें स्पीकर के अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन पास करना है अभी सेशन की डेट को टाइम था लेकिन गवर्नर ने प्रीपोन कर दिया सेशन ताकि स्पीकर के अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन पास किया जाए बट नबाम तुकी

या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जहां पर एस आर मुंबई केस की रेलेवेंस हो जाए या फिर आर्टिकल 356 के बारे में आपको लिखना पड़ जाए या प्रेसिडेंट रूल के बारे में लिखना पड़ जाए सो यू कैन नॉट अवॉइड एस आर बुम्बई केस सो आई होप दिस वीडियो क्लियर योर कॉन्सेप्ट एंड ब्रॉड क्लैरिटी टू यू सो इफ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर यू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल लॉन्च पैट एजुकेशन थैंक यू वेरी मच